नमस्कार साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि रायबरेली में राहुल बचा पाएंगे गांधी परिवार का किला प्रियंका क्यों नहीं लड़ी चुनाव तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी पॉडकास्ट सुन सके रायबरेली को राहुल गांधी ने क्यों चुना प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में हमने इस सप्ताह भी चुनावी मुद्दों पर चर्चा की हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी नीरज कुमार दुबे से हमने सवाल पूछा की आखिर राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ना क्यों सही समझा अमेठी से गांधी परिवार ने दूरी क्यों बनाई साथ ही साथ हमने यह भी समझने की कोशिश की आखिर प्रियंका गांधी या उनके पति रॉबर्ट वाड्रा इस चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतरे इन सभी सवालों के जवाब में नीरज

वहा उन्होंने अपना घर बनाया वह लगातार लोगों से मिलती रही और इसका फल उन्हें 2019 में मिला नीरज दुबे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी स्मृति ईरानी हमेशा अमेठी का दौरा करती रही है पंचायत स्तर तक के लोगों से उनका कनेक्ट रहता है ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस को कोई इनपुट गई होगी इसके बाद पार्टी ने उन्हें रायबरेली से उतरने का फैसला किया उन्होंने कहा कि कांग्रेस पॉलिटिकल ब्रांडिंग का काफी ख्याल रखती है राहुल का चुनाव हारना घातक होगा नीरज दुबे ने कहा कि अगर दोबारा अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार जाते तो यह कांग्रेस और राहुल गांधी की छवि के लिए बिल्कुल घातक साबित हो सकता था इसलिए उन्हें रायबरेली भेजा गया नीरज दुबे ने कहा कि पॉलिटिकल ब्रांडिंग ही प्रियंका गांधी के केस में ही लागू होती है अगर प्रियंका गांधी इस चुनाव में जीत जाती तो हो सकता था कि इस बात की चर्चा खूब होती कि वह अपने पहले ही चुनाव में मुश्किल परिस्थितियों में जीत हासिल कर चुकी हैं यह राहुल गांधी के लिए सहज स्थिति नहीं थी इस वजह से भी उन्हें चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया इसके अलावा पार्टी भाई-बहन को पार्लर खड़ा नहीं करना चाहती थी साथ ही साथ अगर प्रियंका गांधी को चुनावी हार मिलती तो कांग्रेस का ट्रंप कार्ड खत्म हो जाता। उन्होंने कहा कि जब तक प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं तब तक लोगों में कांग्रेस इस बात का जोश भरने की कोशिश करती रहती है कि वह इंदिरा गांधी की तरह है नीरज दुबे ने कहा कि वायनाड में वाम दल ने बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ा है हो सकता है कि राहुल गांधी के पास कोई इनपुट हो इसलिए उन्होंने रायबरेली का रुख किया है इसके साथ ही नीरज दुबे ने कहा कि अगर वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से राहुल गांधी को जीत मिलती है तो वह कौन सी सीट अपने पास रखेंगे यह उनके सामने बड़ी चुनौती होगी साथ ही साथ राहुल गांधी की कोशिश रहेगी कि वह रायबरेली को अपने पास रखे आज के लिए इतना ही अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी तब तक के लिए जुड़े रहे साक्षी के साथ